उड़ीसा के विकास के लिए नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं। अगर आप तुलना करें, मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज का मंत्री हूं। 8 साल में यूपीए गवर्नमेंट ने मेरे विभाग से केवल 26,000 करोड़ उड़ीसा के विकास के लिए दिया। हमने मोदी जी ने 1,00,000 करोड़ हमें उड़ीसा को देने के लिए दिया। और वही नहीं, आवास के लिए जब मेरे पास भारत सरकार के मंत्री मानवर धर्मेंद्र प्रधान और यहाँ के मंत्री प्रदीप जी, जो मेरे विभाग से आवास के विभाग के मंत्री, उनके आग्रह पर मैं धर्मेंद्र जी को कहा, थोड़ी सी नियमों को शिथिल करके मैं गरीबों को घर देना चाहता हूँ, लेकिन दुर्भाग्य है अभी तक उन शर्तों को, उन नियमों को ना पालन करते हुए 38 लाख घर हमने दिया है। तीसरी बात ये, उड़ीसा जैसे शांत सांस्कृतिक राज्य आज अलगाववादी कट्टरवादी लोगों सर उठा रहे हैं। हनुमान जयंती, रामनवमी जैसे त्योहार पर, शोभा यात्रा पर पथराव कर रहा है। ये उड़ीसा को कबूल नहीं, देश को कबूल नहीं। देखिए, मैं समीक्षा करूंगा। मैंने शर्तों के आधार पर धर्मेंद्र प्रधान जी और प्रदीप जी के सामने कहा था, अगर उन शर्तों का पालन नहीं होगा तो ये अच्छा 38 लाख घर दिया।